अरे मौलवी साहब, किस बात का इंतजार है? बिस्मिल्लाह करें। निकाह भी पढ़वा देंगे, पहले ये बताएं कि इनकी पहली बीवी से इजाजत दी? जी जी बिल्कुल ली इजाजत। अहमद सरासर झूठ है। मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी, तो खुदा के लिए आप ये शादी रुकवाते, रुकवा दीजिए ना शादी। देखिए बीबी, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि शादी कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं रुकवाई जा सकती। आपने खुद ही तो बताया है कि आपने इजाजतनामे पे दस्तखत किए। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दस्तखत मुझसे मारपीट कर लिए गए हैं, मुझे ब्लैकमेल किया है कि अगर ये दस्तखत मैंने नहीं किए तो वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर बहुत प्यारी लग रही है, नजर ना लगे मेरी बच्ची को है। अरे घर जाके नजर उतारूंगी मैं इसकी। ऐसे खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने साइन कर दिए। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत फुहाड़ है और खुर्रम के साथ तो उसकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जचती। भाई बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बड़ी लालची औरत है, सहन तो करने को तैयार ही नहीं थी। अरे वो तो मैंने उसे अपना चंदन हार दिया तब जाके उसे सहन किए। और भाई मेरे बेटे के साथ तो तुम्हारी बेटी ही जचती है। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। मेरी पोती है माशाल्लाह समरा, बहुत प्यारी है, उसका मुंह देख के मैंने इसे खुर्रम से तलाक नहीं दिलवाई, वरना तो मैं इसे तलाक दिलवा देती। वही तो, बच्चों का ही तो चेहरा आ जाता है सामने। यकीन माने मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तालीम और तरबियत की है, बड़ी मेहनत की है मैंने इनके ऊपर। दूर कर देंगे मेरी बच्ची को मुझसे, खुदा के लिए आप ये शादी रखवा दे। जिंदगी के हर मरहले पर कुर्बानियां दी है मैंने, मेरी सास मेरी मुमानी है और मेरी मुमानी ने ही मेरे शोहर को मेरे खिलाफ कर दिया। मौला मौला, अब वो मुझसे मेरी बच्ची को छीन लेंगे। मौला मौला, क्या उम्र आपकी बेटी? मौला 12 साल की है, 5वीं क्लास में पढ़ती है। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं खाना लगवाता हूं। लेकिन बीबी, कानूनी कार्रवाई का आप हक रखती हैं, मगर मैंने अपने करियर में ऐसे फैसलों से घर बर्बाद होते देखे। मेरा तो आपको मुखलिसाना मशवरा है कि जो कुछ हुआ उसे हालात का लिखा समझकर कबूल कर लें। आप अपनी बेटी के बारे में सोचें, आज उसका बाप मौजूद है, कल को जब उसके बाप का सहारा भी ना रहेगा तो फिर क्या होगा? अगर हालात इतने बिगड़े कि उसने अगर आपको तलाक दे दी तो फिर क्या होगा? उससे कौन शादी करेगा? हमारे यहां तो शादी जो होती है, बच्चियां जब शादी होकर जाती हैं तो वहां से जनाजा ही निकलता है। आपको तो तलाक का दाग लग जाएगा भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। माशाल्लाह, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अब हम लोग एक फैमिली बन गए हैं, तो अम्मी और मैं भी आपके घर चलेंगे और रात वहीं रुक जाएंगे। अरे बेटा, ये भला कैसे हो सकता है, हम वहाँ कहाँ जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं भाई, तुम्हारे दामाद का घर है, चलो आज रात वहीं रुकना। हाँ ना, अब तो हम एक फैमिली हो चुके हैं। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, रुखसदी के वक्त मैं तुम लोगों को भी लेके चलूंगी साथ। आइए चलिए, आइए।
मुझे मूस कहेंगी। ये है इनकी पहली बीवी, ला बख्शे इनके बाप को, इस अजाब को मेरे गले में डाल गए। इसे अलिफ हुए थे इसके रिश्ते के लिए कि बस। अरे अब हट ना, क्या काली बिल्ली की तरह रास्ता रोक के खड़ी हुई है, चल हट यहाँ से। एक मिनट। क्या एक मिनट? एक मिनट। तो ये थी तुम्हारी ऑफिस की मसरूफियात, यही थी ना वो सेक्रेटरी जो रात के 1-1 बजे तुम्हें कॉल करती थी। इस 2 टके की सेक्रेटरी से तुम्हारा इश्क चल रहा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल तुम्हारा जमीर उस गली के कुत्ते की तरह है जो कभी भी एक खूंटे से नहीं बन सकता, और यही है ना वो जिसने इस कुत्ते को हड्डी डाली है। कैसी बज़ाद औरत है, अपने शौहर को कुत्ता कह रही है। अरे जरा भी शर्म वगैरह है तुझे नहीं है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। और खुर्रम तू किस तरह बर्दाश्त कर रहा है भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें? सादिया अपनी औकात में रहो, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, आप एक अल्फाज रख ले समझी, ये मेरी बीवी है और इस घर में रहेगी। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ और ये इस घर में नहीं आएगी, सुन लो तुम सब। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे सामने से हट जाओ, ये इस घर की मालकिन है, इस घर में रहेगी, हटो। मेरा घर है ये, नहीं रहेगी इस घर में, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रहा हूँ अपनी औकात में रहो। अरे गजबर की लौंडिया, बढ़िया ही बोलने वाली, चल हट। और तू क्या ये घर घर कर रही है? अरे इस घर की मालकन मैं हूँ, मैं, ये पूरा घर मेरा है, इस घर में कौन रहेगा कौन जाएगा इसका फैसला मैं करूँगी, तू होती कौन है बोलने वाली? खुर्रम इसका हाथ पकड़ और निकाल दे इसे इस घर से। इतना जलील होने के बाद भी तुम यहाँ खड़ी हो, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए और मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं, खुद निकल जाओ। ताज़ीरात-ए- पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ले शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। ये देखें, ये मेरे बाजू का हाल, ये क्या किया है उसने? अरे वो मेरी जान की दुश्मन हो चुकी है, पागल हो गई है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा तजर्बा कहता है कि वो औरत आप पर दोबारा हमला कर सकती है, आपकी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर साहब तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। ऐसा करते हैं, हम कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेते हैं जिससे कानूनी तौर पर वो आपसे और आपकी प्रॉपर्टी से दूर रहने की पाबंद होगी। हाँ ये सही रहेगा, है खुर्रम? मगर ऐसे कैसे हो सकता है, वो कानूनन अभी मेरी बीवी है। अरे खुर्रम साहब आप सीधे आदमी, मैं इसीलिए आपकी मदद कर रहा हूँ।
اسماعیل ایڈوکیٹ بڑا قابل وکیل ہے اور میرا دوست ہے، آپ اس سے ایک بار مل لیں، باقی باتیں وہ خود سنبھال لے گا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہمارا تو کام ہی عوام کی خدمت کرنا ہے۔ جی جی، چل شکریہ۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سے زبردستی دوسری شادی کی اجازت نامے پر دستخط لیا گیا اور آپ کی ساس بھی ملوث تھی اس میں؟ ہاں، میری ساس نے کبھی بھی مجھے پسند نہیں کیا، جب تک ماموں زندہ تھے تو خاموش رہی، ماموں کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی نفرت مجھ پہ عیاں کر دی، خرم کو بھی دور کر دیا مجھ سے۔ خرم کی آفس سیکرٹری نے خرم کو اپنے جال میں پھنسا لیا، مجھے سب کچھ معلوم تھا لیکن میں پھر بھی برداشت کرتی رہی، لیکن اس دن تو کیا ہی ہے۔ سائن کر اس پر۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ سائن تو تیرے اچھے بھی کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں اس پہ سائن کر۔ میں نہیں کروں گی سائن، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سائن تو کرے گی۔ انکل، کیوں کرو سائن اس کے اوپر؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیوں کرو؟ بتمیز کر، تو سائن کرتی نہیں ہے۔ کرو امی، امی ہٹ یہاں سے۔ کتنی دفعہ کہا مجھے امی مت کہا کر، اور کون سا بڑا گناہ کر رہا ہے میرا بیٹا؟ دوسری شادی کی اجازت مذہب اور قانون دونوں دیتے ہیں۔ جلدی سے بڑا لے کے جانا ہے۔ اتنا بے دردی سے مارا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلی میں فریکچر بھی ہو گیا، یہ تو ظلم کی انتہا ہے میڈم۔ ان کا شوہر نہ تو صرف گھریلو تشدد کا مرتکب ہوا بلکہ ان کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر کے اس نے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اب گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بچی کا ساتھ ہے، امی بیوہ ہیں میری، میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں سب کچھ۔ تو جب سے آپ کو سسرال سے بے دخل کیا گیا ہے، آپ والدہ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور آپ کے شوہر نے آپ کا خرچ نہیں اٹھایا، آپ کی بیٹی کا بھی؟ انہوں نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو زیادتی ہے، آپ کو آپ کا حق بہرحال ضرور ملے گا۔ صحیح سے لو، کیسے لے رہی ہو؟ ارے باجی شروع تو کرنے دو، مجھے کھا کے تو دیکھو۔ بیٹا تو تو یہ لے۔ ارے امی بہت ہے بھائی۔ واقعی باجی تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، خدا کی قسم اتنی زبردست نہاری میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی، واہ۔ ارے ہماری مرحومہ ساس کہتی تھی میرے ہاتھ میں ایسا ذائقہ ہے کہ جو جامع مسجد کے باہر نہاری ملتی نا اس کی بھی بات نہیں ہے۔ واقعی صحیح کہتی تھی، بالکل بہت زبردست۔ اور آج میں بنا رہی ہوں، کل دلہن بنائیں گی۔ ارے اما میں یہ کھانا وانا نہیں بنا سکتی، مجھے آگ سے الرجی ہے، خرم نے بتایا نہیں آپ کو؟ ارے یہ تو آگ کے پاس جاتی بھی نہیں ہے۔ آگ سے الرجی، یہ کون سی بیماری ہے؟ دلہا بھائی، دلہا بھائی، یہ دیکھیں کوئی کورٹ سے لیٹر آیا ہے۔ یار کیا آ گیا بھائی؟ کیا ہے؟ ارے بتائیں نا کیا ہے اس میں؟ یہ لے امی، یہ آپ کی پہلی بہو نے نا کورٹ سے لیٹر بھجوایا ہے۔ کس چیز کا؟ دوسری شادی بغیر اجازت کی اس کی میں نے۔ ارے بغیر اجازت کے کہاں کی ہے؟
इजाजत नामे पे उसने खुशी खुशी साइन किए थे। चंदन का हार दिया था मैंने उसे। अरे कलमुही क्या निकली वो, कहा था ना मैंने तुझसे उसी वक्त उसका चुटला काट दे, सिल पे मुंडिया रगड़ दो उसकी अगर तू नहीं सुनता। बड़ी बज्जाद औरत है, खुदा की कसम अपनी जिंदगी में मैंने ऐसी औरत नहीं देखी। सही कहती है हमारी अम्मा कि ऐसी औरतें जहन्नुम की आग में जलाई जाएंगी, इनके जिस्म में बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे वो भी मगरमच्छ के साइज के। देखना तुम खुर्रम क्या हशर होता है इसका। अरे क्या मतलब आंटी, मैं क्या जहन्नुम में जाऊंगा? अरे नहीं अम्मी का ये मतलब नहीं है। अम्मी क्यों आपको ऐसा कहेंगी, आप ऐसे तो हैं भी नहीं। और इस पेपर की टेंशन नहीं लेंगे, जो लेटर है ना इसमें जो भी कुछ है ये हम दिखाएंगे उन कामरान को, वो जो इंस्पेक्टर कामरान उनके पास हम गए थे वो ही देख लेंगे। मामू के पास? अब इसका मतलब है पुलिस वाले मामू। हम लोग ना अम्मी और हम लोग कहते हैं पुलिस वालों को मामू, हैं खाना ठूस लो। छोड़ बेटा कागज के चक्कर में पड़ गया, अरे उसको तो हम देख लेंगे। और जब भी मैंने कहा था उसको चुटला काट दे और मुंह रगड़ दे, लेकिन तू नहीं सुनता। खा खाना, खाना भी हराम कर दिया। मिर्चें बहुत हैं। अरे ऐसी बातों के बाद मिर्चें ही लगती हैं। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। Your Honor, मैं सोच भी नहीं सकता कि आमना कबीर साहिबा जैसी नामी ग्रामी वकील एक बेबुनियाद और झूठा केस लेकर अदालत में आए। हर शख्स जानता है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत बहुत जरूरी होती है, तो मेरा क्लाइंट ये गलती कैसे कर सकता है? ये देखिए, यह है वो इजाजतनामा जिस पर उसकी पहली बीवी ने खुद दस्तखत किए। योर ऑनर, इस इजाजतनामे पर मेरी क्लाइंट को मार पीट कर दस्तखत लिए थे। सर किसी भी दस्तावेज पर अगर दबाव या तशद्दुद की वजह से दस्तखत लिए जाए तो ऐसे दस्तावेज की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। हम न कबीर साहिबा, आपको क्या कहा जाए, ये दस्तखत दस्तरोस पहले लिए गए हैं और आपकी क्लाइंट को तशद्दुद का वाकया आज याद है। जनाबे वाला, साफ जाहिर होता है कि इस मामले को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। योर ऑनर, सादिया पर 10 रोज कबल तशद्दुद किया गया था और इस बात का सबूत भी है हमारे पास। Your Honor, ये सादिया की मेडिकल रिपोर्ट है, इससे साबित होता है कि सादिया पर तशद्दुद किया गया और उसके हाथ की उंगली को फ्रैक्चर किया गया। सर ये हाथ की उंगली उसी वक्त टूटी थी जब खुर्रम ने जबरदस्ती इससे इस इजाजतनामे पर साइन लेने की कोशिश की। जनाबे वाला, ये मेडिकल रिपोर्ट है, बिल्कुल है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल की है, सरकारी हॉस्पिटल की नहीं है, इसीलिए अदालत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पर घरेलू तशद्दुद किया गया था और वो बेचारी तो थाने भी गई थी 10 रोज कबल रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस ने वही रिवायती बेहसी का मुजाहरा किया और उस बेचारी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं। आमरा साहेबा, रिपोर्ट क्या दर्ज करवाएंगी आप? ये आपकी क्लाइंट, ये औरत एक तशद्दुद पसंद और जुनूनी औरत है। इस पर जब जुनून सवार होता है तो सामने ये नहीं देखती कि कौन है और क्या है, सिर्फ जुनून के हद तक जाती है कि उसको मारना शुरू कर देती है। और इसीलिए मेरे क्लाइंट की दूसरी बीवी नौशीन ने इस तशद्दुद से बचने के लिए इस औरत के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रखे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी क्लाइंट की तजलील की जा रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। Your Honor, ये कहाँ का इंसाफ है? और सर बात रही इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की, तो ये तो कानून के साथ मजाक करने वाली बात है।
सर जिस घर से सादिया को और उसकी बेटी समरा को बेइज्जत करके निकाला गया, सर वो घर तो सादिया का भी है ना, उसकी बेटी का भी है, उसके शोहर का घर है, इसलिए उस घर पर सादिया का भी हक है, समरा के वालिद का घर है, समरा का भी हक है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट और उसकी बेटी के साथ ना इंसाफी की गई है, जुल्म किया गया है, बेदर्दी से बेरुखी से उस घर से उसको निकाला गया है। सर इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ हम अपील दायर करेंगे। जरूर दायर कीजिए, लेकिन ये तो साबित कीजिए कि मेरे क्लाइंट ने इस औरत पर इतना तशद्दुद किया कि चोटें आ गईं। क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? वकील साहब, बगैर सबूत और गवाह के मैं कभी पेशी में हाजिर नहीं होती। योर ऑनर, गवाह भी है हमारे पास और सबूत भी है। सर अफसोस की बात तो ये है कि इस घरेलू तशद्दुद का गवाह कोई और नहीं बल्कि मेरी क्लाइंट की सगी बेटी समरा। सर अंदाजा कीजिए कि उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी जिसने घर का ऐसा माहौल देखा हो जहां उसकी नजरों के सामने उसकी माँ पर घरेलू तशद्दुद किया जाए, दूसरी शादी की इजाजत लेने के लिए जबरदस्ती की जाए और उसकी वालिदा की उंगली तक तोड़ दी जाए, और उसके बाद योर ऑनर, उस बच्ची के वालिद ने उसको और उसकी वालिदा को जबरदस्ती घर से बेदखल कर दिया। सर मैं चाहूंगी कि समरा अदालत के सामने आके बयान दे कि उसकी वालिदा पर घर में क्या बीती। इजाजत दो। समरा, जज साहब को बताएं उस रोज आपके घर में क्या हुआ था। आप डरे नहीं, आपके वालिद अदालत में आपको डांट भी नहीं सकते, ठीक है? आप बताइए जज साहब। पापा दूसरी शादी करना चाहते थे और मम्मा ने मना कर दिया था, तो पापा ने मम्मा को बहुत मारा और उनकी उंगली भी तोड़ दी, और दादी ने तो मम्मा को बाल पकड़ के मारा और मुझे भी। थैंक यू बेटा, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, समरा का बयान सादिया की मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक करता है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पर घरेलू तशद्दुद किया गया, दूसरी शादी के इजाजत नामे पर जबरदस्ती दस्तखत लिए गए। योर ऑनर, खुर्रम साहब ने अपने निकाह के मौके पर झूठ से नए रिश्ते की इब्तदा की, पिछली बीवी पर जुल्म व सितम किया, उसको जबरदस्ती घर से बेदखल किया, अपनी बेटी को भी घर से बेदखल किया, और योर ऑनर, खुर्रम साहब के झूठ और बदनीयती का अंदाजा तो इस बात से भी हो जाता है कि इन्होंने दूसरी शादी की इजाजत मसालेहती काउंसिल से भी नहीं ली और बीवी से भी जबरदस्ती इजाजत नामे पर दस्तखत करवाए। योर ऑनर, बेशक हमारे मुल्क में मजहब और कानून मर्द को दूसरी शादी की इजाजत देता है, लेकिन ये इजाजत कुछ असूलों पर, कुछ शर्तों पर पाबंद होती है, जिसमें पहली बीवी के साथ इंसाफ करना और उसे बराबर के हुकूक देना लाजम होता है। योर ऑनर, खुर्रम साहब ने अपनी दूसरी शादी की इब्तदा झूठ की बुनियाद पर की, अपनी पहली बीवी और बेटी पर जुल्म करके की, और तो और योर ऑनर, इन दोनों को घर से निकाल दिया और इनका नान नफका तक बंद कर दिया। योर ऑनर, हमारी अदालत से अपील है कि सादिया के साथ और उसकी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ऑर्डर जारी किया जाए ताकि सादिया अपने घर अपनी बेटी के साथ वापस जाकर रह सके, और इनके नान नफके पर भी खुर्रम को पाबंद किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। तमाम तर हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम खुर्रम मलिक ने अपनी बीवी पर घरेलू तशद्दुद करके उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती इजाजतनामे पर दस्तखत करवाए। लिहाजा ये अदालत मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के खिलाफ वर्जी के तहत खुर्रम मलिक को एक माह कैद और मुगलिक 5,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत खुर्रम मलिक को इस बात का पाबंद करती है कि वो अपनी पहली बीवी सादिया और बेटी समरा का नान नफका अदा करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। मैंने कोशिश तो पूरी की थी, मगर उस बच्ची की गवाही। वो सब रहने दें,
मैंने आपको यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलवाया है। मैं सादिया को तलाक देना चाहता हूँ। तलाक? बस आप कागजात तैयार करें। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, हो जाएगा। चंद रोज में खुर्रम आ जाएगा, रिहा हो गई, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके आने तक क्या हम लोग भूखे बैठे रहेंगे? घर में सारा राशन खत्म हो गया इस दाल को छोड़ के, और ये दाल मैं और मजीद नहीं खा सकती। अरे बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा कर, ये भी किसी को नसीब नहीं होता है। अरे अम्मी, आपको पता नहीं है शायद, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जो मिल जाए उस पे सबर शुक्र कर लूं। मैं अपना हक ना गले से निकाल लेती हूँ, देखा नहीं सादिया का शर्म? बेटा जरा तहम्मुल से काम ले, सबर से रह। बैंक में कुछ पैसे पड़े मेरे, वो लिखवा लेती हूँ, चंद रोज गुजारा हो जाएगा। और वो तुम्हारा भाई का है शमशाद? बाजी, शमशाद नहीं, हम्माद, हम्माद। हाँ वो ही, जब से खुर्रम गया है वो उसी गाड़ी लेके पूरे में फिर रहा है। उससे बोलो घर आए और मुझे बैंक लेके जाए, मैं ये दाल बना के तैयार होके आती हूँ। अरे अम्मा, तैयार होने की क्या जरूरत है, चले जाओ चादर ओढ़ के। हाँ हाँ, तैयार नहीं होंगी बस। देख रही है अम्मा, बड़ी भी कितना झूठ बोल रही है। अरे वो जो जौहर वाला मकान बिका था ना, उसके 12 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में, ड्रामे कर दिए इतने पैसे हैं। अरे ये बुढ़िया ना ड्रामेबाजी नहीं, बहुत चालाक औरत है। अपनी भतीजी को तो घर से निकलवा दिया, अब क्या पता कि कल तेरे पीछे पड़ जाओ, तुझे भी घर से निकाल दे। अरे अम्मा, आपको पता है मैं सादिया थोड़ी हूँ कि घर से निकालेगी और मैं निकल जाऊंगी। इसको निकाल दूंगी, और खुर्रम को ना शीशे में उतार लिया है मैंने। बस बस रहने दे, खुर्रम को शीशे में उतार लिया है। अरे बेवकूफ लड़की, खुर्रम तो वैसे भी मुकदमात में फंसा हुआ है, एक एक केस से निकलेगा दूसरे में फंस जाएगा। वो असल शय है ये घर, ये घर ना उस बुढ़िया के नाम है। तू ना किसी भी तरह से ना ये घर अपने नाम करवा ले, अरे हमारी लॉटरी निकल जाएगी लॉटरी। पता है मरहुमा बड़ी अम्मा कहती थी कि दूसरी बीवी तीसरी बीवी का सदका होती है। आई क्या पता, जो दूसरी शादी कर सकता है वो तीसरी भी कर सकता है, कोई भरोसा है मर्दों का? क्या कैसी बातें कर रही हो अम्मा, कोई नहीं, खुर्रम बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ सुन, खुर्रम नहीं है ना, फिर एक काम हो सकता है, इधर मेरी बात सुन। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। सर देखो कितना खुश्क हो रहा है, यूं नहीं कि तेल लगवा लूं, बस रूखे बालों में ही बाल बांध दो। किसकी कॉल आ रही है? मैं शबाना बात कर रही हूँ। आप खैरियत तो है दुल्हन? जब से आप इस घर से गई हैं, खैर तो लगता है इस घर से रूठ ही गई है। और दोनों माँ बेटियाँ मिलकर रोज उन पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद? मगर क्यों? अरे वो कहती हैं ये घर हमारे नाम कर दो। तो खाना की हालत देखी नहीं जाती, सूखकर काटा हो गई है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा करें आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। शबाना, मैं कैसे आ सकती हूँ? आप क्यों नहीं आ सकती? अरे आप ही तो इस घर के असल मालकन हैं। तो आपकी मुमानी भी होती है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। ऐसा करें बस आप जल्दी से यहाँ आ जाए। गेट खोलो। खुर्रम खुर्रम खोलो, दरवाजा
खोलो। मुमानी कौन है, इतनी बुरी तरह दरवाजा क्यों पीट रही है? हटो रास्ते से, जल्दी हटो, मुझे ऊपर जाना है। हटो। पर क्यों जाना है, किससे मिलना है? अपनी मुमानी के पास आई हूँ, हटो यहाँ से। शरीफों का मोहल्ला, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। ओ हेलो, बहुत पता है तुझे शरीफ, हट यहाँ से। तुम्हें पुलिस ने मना किया। हटो 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 हटो, रुको, कहाँ जा रही हो? अरे हटो रास्ते से, हट जाओ। अम्मा हटो रास्ते से। अम्मा देखो, जबरदस्ती घुस के आगे घर में। ये देख, बड़ी बेशरम औरत है तू। उस रोज तेरी इतनी बेइज्जती हुई, वो काफी नहीं था जो फिर चली आई जलील होने के लिए? अरे अम्मा, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और इन जनाब की तो बकवास अपनी बंद करो और ये बताओ कि अम्मी कहाँ पर है। अरे अंधी हो गई क्या, पागल औरत तेरी माँ ये रही तेरे साथ। तुम जाके देखो, मेहमान आने वाले। तुम हो ही घटिया औरत। मुमानी, अम्मी। अरे मामू कहाँ रह गए थे? उस औरत ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। मैं तो फिकर मत कर, मुझे नौशीन ने फोन कर दिया था कि चिड़िया जाल में फंस गई है। अब देख मैं उसके पर कैसे कतरता हूँ। चल अंदर। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? मुझे यकीन था मेरी बहू जरूर आएगी मुझे बचाने। आप चले मेरे साथ, मैं आपका। अम्मी मुझे जरूर बचाने आएगी। अम्मी आप चले, मैं इलाज करा। हमार हमार कहाँ है? हमार कहाँ मर गया? क्या हो गया हमार? हमार इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब क्या तमाशा कर रही है ये औरत यहाँ पे? ये लोग, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये वैश्य औरत हमारे घर में दोबारा घुस कर आ गई। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी जान पकड़ कर ले जाए। ये लोग झूठ बोल रही हैं, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। बकवास बंद करो, कैद करके रखा है सर। बकवास बंद करो अपनी। तुमने यहाँ पर आकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप यकीन कीजिए, इन्होंने मेरी सास को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। आप इनको गिरफ्तार कीजिए। हमने क्या करा जो हमारे खिलाफ होगी? तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है। हम कानून अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है। गिरफ्तार करो इसे, ले भी दो। मैडम आपको पता चला, पुलिस ने सादिया को गिरफ्तार कर लिया। क्या, क्यों, किस जुर्म में? पुलिस का कहना है कि उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ वर्जी की है, उसे उसके शौहर के घर से ही गिरफ्तार किया। क्या करने गई थी ये वहाँ पर? मैंने इसे मना भी किया था कि जब तक हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर नहीं करते तुम अपने ससुराल मत जाना। अजीब खातून है ये। थाने इतला किसने दी? उसके शौहर नहीं दिए। वो तो लॉकअप में है। ये सादिया की जरा फाइल चेक करो, उसमें अगर इसके ससुराल का कोई लैंडलाइन नंबर मिलता है या इसकी सास का सेलफोन नंबर। मुझे इसकी सास से बात करनी है। मेरी बात करवाओ सास से। क्या लोग हैं। तलाक के पेपर तैयार हैं? जी तैयार हैं। ये आप योर ऑनर, मेरे क्लाइंट खुर्रम मलिक घरेलू तशद्दुद और बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने की सजा पा चुके हैं और कल शाम ही रिहा हुआ है। मगर सवाल यह है, इस जुनूनी औरत को कब सजा मिलेगी जिसने अभी हाल ही में मेरे क्लाइंट की बीवी पर हमला किया, जिसने कोर्ट के हुक्म की धज्जियां बिखेरी, जिसने शोरफा के मोहल्ले में फसाद बर्पा किया है। बस करते ही ड्रामा करना वकील साहब, असल हकीकत क्या है आपको भी बहुत अच्छी तरह मालूम। और योर ऑनर हकीकत ये कि मेरी क्लाइंट सादिया को एक सोचे समझे प्लान में फंसाया जा रहा है। सर वकील साहब की क्लाइंट नौशीन साहिबा को कानूनी रहनुमाई हासिल, वकील साहब की सूरत में भी और एक पुलिस ऑफिसर की सूरत में, एक बेईमान बदनीयत पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर कामरान जो नौशीन साहिबा का सगा मामू,
یور آنر انسپیکٹر کامران کے ہی مشوروں پر پہلے سعدیہ صاحبہ کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر کا ڈرامہ کیا گیا اور اس کے بعد ایسی چال چلی گئی کہ میری کلائنٹ مجبور ہو جائیں اس ریسٹریننگ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے کی۔ یور آنر وکیل صاحب اپنی کلائنٹ نوشین اور ان کے شوہر خرم کو وکٹم بنا کر عدالت میں پیش کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ناانصافی اور ظلم صرف میری کلائنٹ سعدیہ کے ساتھ ہوا۔ یہ محض الزام ہے آمنہ صاحبہ، عدالت ثبوت مانگتی ثبوت، کیا آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ وکیل صاحب آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے میں کبھی بھی عدالت میں ہوم ورک کیے بغیر نہیں آتی۔ جی ہاں، ثبوت بھی ہے اور گواہ بھی۔ یور آنر میں عدالت میں ایک معزز گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں جن کا ان کی کلائنٹ نوشین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نوشین صاحبہ اور سعدیہ صاحبہ کی ساس حمیرہ خاتون۔ یور آنر وہ عدالت کے سامنے بتانا چاہتی ہیں کہ کس طرح سعدیہ کے خلاف سازشوں کا جال بنا گیا۔ اجازت ہے، حمیرہ صاحبہ کو پیش کیا جائے۔ جی، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حمیرہ خاتون۔ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جج صاحب، میں نے ہر معاملے میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولا، سعدیہ کے خلاف اس کے کان بھرے، میں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال ڈالا ہوا تھا کیونکہ سعدیہ میری نن کی بیٹی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں تھی، اور نوشین نے جب اس کے خلاف سازشیں کی تو میں نے نوشین کا ساتھ دیا۔ محترمہ، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کے اس جھوٹ نے کتنی زندگیوں پر اثر ڈالا؟ اندازہ نہیں تھا، پر جب تین دن بھوکے پیاسے ایک کمرے میں بند رہی تب اندازہ ہو گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وعدہ کیا اپنے اللہ سے کہ اپنی غلطی کو سدھاروں گی۔ سعدیہ اور میری نن تو مجھے بچانے آئی تھی، مگر سعدیہ کو بلانے کی سازش بھی نوشین کی تھی اور ہمارے گھر کی ملازمہ بھی اس میں شامل تھی۔ ہمیں سوال برا ہو گیا ہے، شکریہ کا کچھ نہیں ہوتا ہے، آگے آگے جانا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں تو تھک گئی۔ کیا ہوا اس بڑھیا کا؟ ارے یہ کیا، تو بےہودہ اشارے کر رہی ہے، ہمیں اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، یہ بتا کہ کیا ہوا، زندہ ہے مر گئی؟ بے ہوش پڑی ہیں، اتنی آوازیں تھی، کوئی جواب نہیں آ رہا ان کے پاس سے۔ تو دیکھ، میرا ایک کام کر دے، سعدیہ کو کسی بھی طرح نہ فون کر کے یہاں بلا لے۔ بی بی جی، سعدیہ بی بی کیوں آئیں گی یہاں؟ یہ کیا مطلب، جو وہ کہہ رہی ہے وہ سننا۔ وہ ضرور آئے گی، اس کو نا بہت اچھا بننے کا شوق ہے، بہت ڈرامے باز عورت ہے وہ، جب اس کو پتہ چلے گا نا ہم دونوں مل کے بہت ظلم کر رہے ہیں بڑھیا پہ، بڑھیا مر جائے گی، تو یہ سن کے وہ اڑ کے پہنچے گی یہاں۔ کہتی تو آپ ٹھیک ہیں بی بی جی، کام تو میں آپ کا کر دوں گی، مگر آپ مجھے انعام میں کیا دیں گی؟ انعام میں کیا دوں گی؟ یہ جو سعدیہ کے ٹاپ چوری کر کے دیے تھے نا میں نے، یہ کون سے کھیل سوں گی میں؟ یہ تو بہت ہی لالچی ہے، کام نہیں کرے گی، پہلے اپنا مطلب بیان کرے گی کہ کیا دیں گی۔ جی نہیں دوں گی میں، ایک ہی تو چیز دی آپ نے مجھے۔ اچھا اٹھ جا، ٹھنڈا شربت بنا کے دے بیچاری اما کو، دیکھو کتنی گرمی لگ رہی ہے۔ جلدی اما، بس دعا کرو وہ سعدیہ یہاں آ جائے کسی طرح۔ اگر سعدیہ یہاں پہنچ گئی نا، ماموں نے کہا ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچ جاؤں گا۔ واہ کیا بات ہے، یا صاحب سعدیہ بے قصور ہے، سارا گھر برباد کرنے والی نوشین ہے، سعدیہ نے کچھ نہیں کیا۔ تمام تر حالات اور واقعات کے پیش نظر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سعدیہ بی بی اس کیس میں بے گناہ ہے، لہٰذا یہ عدالت سعدیہ بی بی کو اس مقدمے سے باعزت بری کرتی ہے۔ پاپا، مما دیکھیں کون آیا ہے۔ کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ سادی، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے نوشین کی طلاق دے دی، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
मैं तुम्हें लेने आया। तलाक दे दी? क्यों? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बस तुम मेरे साथ चलो, हम सब अपने घर में। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारे घर से जुड़ी हर याद तल्ख हो चुकी है मेरी। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी तमाम तलखियों की वजह मैं हूँ। जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे अंदाजा हो गया मेरे शौहर का फैसला बिल्कुल ठीक था। तुम ही मेरे घर को जन्नत बना सकती हो। अपने घर चलो बेटा, माफ कर दो। सादिया देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए अपने घर चलो। मम्मा प्लीज माफ कर देना पापा को। चलो अपने घर, तुम्हारा घर तुम्हारा मुंतजिर है। जा बेटा जा, तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है। और वैसे भी कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना। मुझे माफ कर दो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।